हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो है एक रूम में पीओपी कराने में आपको कितना खर्चा लगता है, ठीक है फ्रेंड? तो इस वीडियो में जो है आपको आपको डिटेल के साथ हम बताएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड, मेरा नाम है सोनू और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सोनू पेंटर को। तो जैसा कि मान लीजिए हमारे साइड में जो है बोर्ड है, उसमें हम आपको लिख के यानी पूरा डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को जो है पूरा यानी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड कि आपका 10x12 का रूम है, ठीक है फ्रेंड? तो इस रूम में यानी कि पीओपी कराने में हमको पहले क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड? तो जैसा कि मान लीजिए कि पहले हमको रूम में जो जाना है, तो रूम में पहले क्या करना है, पीओपी प्लास्टर करते हैं, उसके बाद कॉर्नर यानी कॉर्निस बनाते हैं, उसके बाद मोल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद कोने का डिजाइन बनाते हैं, और उसके बाद फैन का डिजाइन बनाते हैं, और उसके बाद कौन सी लाइट होता है, ठीक है? किसी किसी में कौन सी लाइट होता है और किसी किसी में नहीं होता है, तो उसको हम यानी कि फिर भी जोड़ लिए, ठीक है फ्रेंड? तो हमारा जो पीओपी प्लास्टर का रेट है वो है 12 रुपये स्क्वायर फीट, यानी कि 12 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड? और कॉर्निस की बात करें तो कॉर्निस आपको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड? और मोल्डिंग जो है वो आपको 25 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, और उसके बाद कोने का जो डिजाइन है वो आपको 200 रुपये लेके और 500 रुपये के बीच में यानी कि बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड? और उसके बाद फैन का जो डिजाइन है वो आपको 400 रुपये से लेके 800 रुपये तक के बीच में बन जाएगा, ठीक है? कौन सी लाइट जो होता है फ्रेंड वो आपको 200 रुपये से लेके 400 रुपये के बीच में यानी कि बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड? तो हमारा जो रूम का प्लास्टर यानी एरिया था वो था 120 स्क्वायर फीट, ठीक है फ्रेंड? तो 120 स्क्वायर फीट की यानी कि 12 रुपये से कितना पड़ता है, 1440 रुपये होता है, ठीक है फ्रेंड? उसके बाद हम कॉर्निस की बात करें तो कॉर्निस जो हमारा फिट पड़ता है फ्रेंड वो 44 फिट होता है, ठीक है फ्रेंड? तो 44 × 30 से यानी गुना करेंगे तो वो हमारा 1320 रुपये होता है, ठीक है फ्रेंड? उसके बाद हम मोल्डिंग की बात करें तो मोल्डिंग जो होता है फ्रेंड वो 40 स्क्वायर फीट होता है। तो 40 स्क्वायर फीट कैसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मान लीजिए कि यानी कि मोल्डिंग जो हमारा होता है कि एक एक फीट यानी कि चारों तरफ से छुटा रहता है, तो 44 फीट जो होता है उसमें हम अगर 4 फीट अगर चारों तरफ से घटा देते हैं तो कितना होता है, 40 फीट, ठीक है भैया? तो 40 फीट ही कॉर्निस का होता है, तो कॉर्निस को 40 को हम 25 से गुना करेंगे तो होता है 1000 रुपये, ठीक है फ्रेंड? उसके बाद कोने का डिजाइन, ठीक है फ्रेंड? तो कोने का डिजाइन हम मान के चले हैं 200 रुपये, तो 200 × 4 यानी कि 4 कोने का डिजाइन बनता है, तो 4 कोने का डिजाइन बना तो कितना बना यानी गुना किए तो 800 रुपये हुआ, ठीक है? फैन का डिजाइन जो है फ्रेंड वो आपको 800 रुपये यानी कि जोड़े हैं तो 800 × 1 यानी कि एक डिजाइन है तो हम 800 रुपये लिखे हैं, ठीक है? उसके बाद कौन सी लाइट, किसी किसी में कौन सी लाइट होता है और किसी किसी में नहीं होता है, तो हम कौन सी लाइट भी जोड़ के चले हैं, तो 200 रुपये कौन सी लाइट यानी कि एक पड़ता है, तो 200 × 4 तो हमारा कौन सी लाइट होता है, 4, तो हम 200 को 4 से गुना करेंगे तो 800 रुपये होता है, ठीक है फ्रेंड? तो अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो हमारा जो रेट होता है वो 6160 रुपये होता है, ठीक है फ्रेंड? तो 6160 रुपये जो होता है एक रूम में आपको बहुत महंगा लगता हुआ, ठीक है फ्रेंड? तो हमारा मान लीजिए कौन सी लाइट जो होता है किसी किसी में होता है और नहीं होता है, तो कौन सी लाइट हमको नहीं करवाना है तो आपको 6160 यानी कि 800 को घटा देना है, ठीक है फ्रेंड? तो 800 को हम घटाएंगे तो 5360 यानी कि आपको मटेरियल के साथ, ठीक है फ्रेंड, यानी कि लेबर और मटेरियल के साथ जो हमारा रेट होगा वो आपको 5360 रुपये यानी आप मटेरियल आप खुद दे रहे हो और यानी कि लेबर का रेट का कितना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड? तो पीओपी जो फ्रेंड होता है वो होता है प्लास्टर 10 रुपये स्क्वायर फीट होता है, कॉर्निस 22 रुपये होता है, और मोल्डिंग जो है 20 रुपये स्क्वायर फीट होगा, और कोने का डिजाइन जो है फ्रेंड वो आपको 600 रुपये पड़ेगा, और फैन का डिजाइन 600 रुपये, और कॉन्सिलर जो है फ्रेंड वो आपको 500 रुपये पड़ेगा। ये हो गया लेबर रेट, ठीक है फ्रेंड? तो हमारा लेबर रेट की यानी पूरा डिटेल के साथ आपसे बात करें तो प्लास्टर जो 120 स्क्वायर फीट जो हमारा होता है 12x10 का रूम में, तो आपका प्लास्टर करने में 1200 रुपये यानी कि खर्चा आएगा, ठीक है फ्रेंड? और कॉर्निस में कॉर्निस 44x22 होता है तो 968 रुपये कॉर्निस का हो गया, और मोल्डिंग की बात करें तो मोल्डिंग 40x20 था तो 800 रुपये हो गया, और कोने का जो डिजाइन है वो 150 रुपये पड़ेगा तो 150×4 600 हो गया, और फैन का जो डिजाइन हो गया फ्रेंड वो आपको 600 रुपये यानी कि एक का पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड? और कौन सी लाइट 125 का यानी कि 4 हुआ तो कितना हुआ, 500 रुपये, ठीक है? तो ये हो गया लेबर रेट, ठीक है फ्रेंड? तो लेबर रेट जो आपका टोटल होता है वो होता है 4600-800 रुपये, यानी कि आपका गाँव हो या फिर शहर हो, ठीक है फ्रेंड? तो आपको 4000 रुपये से लेके 4500 के बीच में आपको यानी कि लेबर जो रेट होता है वो आपको 4000 से यानी 4500 के बीच में आपको एक रूम पीओपी कर देगा। खर्चा होता है लेबर रेट का वो होता है 4668, ठीक है? और मटेरियल आप खुद दे रहे हो
तो अगर आप लेबर रेट यानी कि लेबर का जो रेट जानना चाहते हैं वो हो गया 4600 यानी कि 4000 के 4500 के बीच में आपको बढ़ जाएगा। अगर आप सामान यानी कि सामान आप नहीं दे रहे हैं और लेबर और मटेरियल दोनों यानी कि एक साथ रहेगा तो आपको 5360 यानी कि 5000 से लेकर 5500 के बीच, ठीक है फ्रेंड, इतना में आपको यानी कि एक रूम का जो है वो पीओपी का काम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड, अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।